हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मु मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जींकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहितुकी कृपा भिक्षा करुचे। आम माने भक्त मानंकर चरित्र श्रवण करुचु धारावाहिक भावरे। आमे भक्त ध्रुव भक्त प्रह्लाद उनको भली महान भक्तंकर चरित्र को श्रवण कले एवं ए भक्तमान का चरित्ररु आमे प्रेरणा लाभ करिबा तत्संगे संगे आमे जानी परिबा भगवान कर जिते भक्त अछंती सेतिरे तारतम्य रहिछि आमे आगो को परवर्ती समय रे ताकु विशेष भावरे आलोचना करिबा कंपेयर करिबा तुलनात्मक भावे बुझिबा जे सर्वश्रेष्ठ भक्त सबुठु अधिक उन्नत भक्त भगवान कर किए। यद्यपि समस्त भक्त आम पाई पूज्य समस्त भक्त आम पाई महान तथापि आम यदि उत्तम भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति जाग्रत करिया चाहूँ तेबे श्रीमद् भागवतम महापुराण रे जो भक्तंकर चरित्र दिया जाइछि आम ताको अवश्य ही श्रवण करिया दरकार। आज आम यही श्रृंखला रे भीष्म पितामहंकर भक्ति ए पितामह भीष्म जने महान भक्त थिले भीष्म पितामहंकर भक्ति संबंधे आज आम श्रवण करिबा। ए भीष्म पितामह महाभारत रे
जड़े महान भक्त थिले, भक्त मानक मध्यरे से अग्रगण्य थिले। साधारण भाव आम एक जानु ना कि भागवत टांकता वर्णन कराई भीष्म द्वादश महाजन मध्य अन्यतम शास्त्र रे वर्णना कराई भागवत रे वर्णना कराई जे स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर बयास की बयम ये भीष्मकर नाम आसी। ये श्लोक रे द्वादश महाजन कथा वर्णन कराई स्वयंभू ब्रह्माजी नारद मुनि शंभु माने शंकर शिवजी ब्रह्मांकर चारि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिल देव भगवान कर अवतार कपिल देव वैवस्वत मनु जे कि भगवत गीता शिक्षा देथले एवं कुमार कपिल मनु प्रहलाद महाराज जहाँ चरित्र आम श्रवण कले जनक महाराज भीष्म देव बलि महाराज बयासकी माने श्री शुकदेव गोस्वामी आउ साक्षात जमराज ए बार जन हेले महाजन महाजन माने जो माने कि धर्म संबंध रे पूर्ण ज्ञाता भगवान जो धर्म जगत रे प्रणयन करिसेंती ताकु जे पूर्ण रूप से उपलब्धि करिसेंती 100% से माने ले महाजन। तेणु भीष्म देव साधारण थिले नी सी थिले जने महाजन अर्थात भगवान कर अत्यंत प्रिय भक्त भगवान कर द्वारा प्रणीत जितने की धर्म को पूर्ण रूपे हृदयंगम करिसेंती अनुभव करिसेंती। किंतु आश्चर्यर कथा भीष्म देवंकर चरित्र आम ये श्रवण करू देखु आम बुझी पारु नहीं कि भीष्मदेव कि प्रकार भक्त थिले। आम श्रवण करिबा भीष्मदेव को इच्छा मृत्युर वरदान थिला मृत्यु समस्त पाखु समस्त को ग्रास कर दिए जगत सर्वग्रासी मृत्यु किंतु भीष्मंक पाखु भीष्म एते श्रेष्ठ थिले ते तांको पाखु मृत्यु आसिया पई हाथ जोड़ी परमिशन मांगुला आपण आज्ञा देले ही आमे सेवा करू। तो मृत्यु जोड़ हस्तरे जहाँ पाखरे अपेक्षा कर रही से भीष्म के साधारण किंतु एते श्रेष्ठ भक्त द्वादश महाजन मध्य अन्यतम एते महान भक्त है मध्य से किमिति भगवान को विरुद्ध रे युद्ध कले किमिति भगवान कर प्रिय भक्त पांडव मान विरुद्ध युद्ध कले एते महान भक्त ही किमिति कपटी दुर्योधन को युद्ध रे सहायता कले एटा महाभारत देखो एक बुझीबा बड़ कष्ट ए साधारण नुहे। वास्तव में एक बुझे को हेले जन सद्गुरु ही बुझे पारे आमर आचार्य माने ताकु टीकारे बहुत सुंदर भाव बुझे भीष्मदेव वास्तव में यह कहीं कले आम जानती भगवान कर जने महान भक्त से जहा करती भगवान कर इच्छा रे ही करती यही प्रभुंकर निर्देश थिला तांकर लीला आम श्रवण करवा। तो भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करथिले जे महाभारत युद्ध रे अस्त्र धारण करिवे नहीं शस्त्र धारण करिवे नहीं युद्ध करिवे नहीं बोली प्रतिज्ञा करथिले। किंतु भीष्मदेव एवली महान भक्त थिले ते भगवान कर प्रतिज्ञा को भांगी देले ते प्रभुंकर प्रतिज्ञा भांगिया पई हेले भगवान को जने महान भक्त हेतवा दरकार। भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करथिले मु शस्त्र धारण करिवे नहीं किंतु भीष्मदेव संकल्प कले हरि से अस्त्र गहाऊं तब शांतनु पुत्र कहाऊं जदि हरि को मु अस्त्र धरे न पारिबि तबे मु शांतनु पुत्र नुहे मु भीष्म नुहे
ଏଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁକି କଲେ? ଭୀଷ୍ମ କାହିଁ କଲେ? ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିପରି ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଭୀଷ୍ମ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଧରେଇଦେବି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇଦେବି। ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କହିଲେ ପାର୍ଥ, ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ କି ସହାୟତା କରିପାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ମୁଁ ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛ, ତୁମକୁ ନିରାଶ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋର ଯେତିକି ସେନା ରହିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣୀ ସେନା, ଦ୍ୱାରକର ସେନା, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ସେନା, ଏ ସେନା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ, ତୁମେ ଯାହା ଦରକାର, ତୁମେ ମୋତେ ଚାହିଁବ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ତ ମୋତେ ଦରକାର କି ତୁମକୁ ସୈନିକ ଦରକାର, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନିକ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତେଣୁ ସିଏ ନାରାୟଣୀ ସେନା କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେନାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ସବୁ ନାରାୟଣୀ ସେନା ନେଇ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ରହିଗଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ କହିଗଲେ, ହଁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ପାର୍ଥ, ତମେ କ'ଣ ଚାହ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହେଁ। କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି, ଆପଣ ସାରଥି ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମୋ ରଥର ସାରଥି ହେବେ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସଖା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ସେଠି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ କୃପା କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋର ରଥରେ ସାରଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ମନରୂପୀ ରଥରେ ବି ସାରଥି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ମୁଁ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ତେବେ ଯାଇ ଜିତିପାରିବି ଯଦି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ, ମୋର ମନ ନ ଭଟକେ, ଭ୍ରମିତ ନ ହୁଏ। ମୋର ମନକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ମନରୂପ ରଥରେ ସାରଥି ରହିବେ। ମୋ ରଥକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ ରଥରେ ଆପଣ ସାରଥି ହୋଇଯିବେ।
तेबे जाई मोर विजय सुनिश्चित। एभली भगवान कृष्ण जोड़ी विराजमान सेठी विजय सुनिश्चित। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर, जोड़ी जोगेश्वर कृष्ण विद्यमान, जोड़ी तांकर प्रिय भक्त पार्थ विद्यमान, तत्र श्री विजय धृति ध्रुवा नति नितिर्मति मम, भगवद गीतार वाक्य। सेठी निश्चित भाव रे सब प्रकार सौभाग्य सब प्रकार विजय विद्यमान। से अर्जुन को रथर सारथी होवाई कृष्ण स्वीकार करने के लिए। एवं युद्ध क्षेत्र रे केते सुंदर दृश्य, भगवान पार्थंकर भक्तंकर सारथी हेले, तांको लात खाइबा अर्जुन लात मारी कृष्ण को, तांकर सखा थिले प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रीति बसत, जेतु अर्जुन को बहुत भल पाउथिले तांकर सखा थिले अत्यंत प्रिय, सेतिपाई अर्जुन को पाई से सारथी भी हेगले भगवान। एवं ए दृश्य को देखिले भीष्म देव, भीष्म कहले जे आज भगवान कर महिमा को जगत रे मु प्रकट करिवे, कृष्ण कर महिमा, कृष्ण कर से परम भक्त थिले भीष्म। यद्यपि से युद्ध करते दुर्योधन पक्षर, जदि भीष्मदेव दुर्योधन पक्षर युद्ध करि न थांते तबे महाभारत युद्ध है न थांता, एवं महाभारत यदि नई थांता तबे असुर मानकर विनाश है न थांता। जदि असुर मानकर विनाश दैत्य मानकर विनाश नई थांता तबे पृथ्वी रे धर्म स्थापन हो पारि न थांता। सेतिपाई भीष्मदेव दुर्योधन पक्षर युद्ध कले तेबे असुर मानकर बद्धडा सुनिश्चित करिया पाई। कृष्ण संकल्प करथिले अस्त्र धारण करिबेने, शस्त्र धारण करिबेने, किंतु भीष्मदेव तांकर भक्त वत्सलता, अर्जुन प्रति से केते प्रिय, पार्थ तांकर केते प्रिय, एटा जगत को देखेया पाई भीष्मदेव गोटे लीला कले, एभली अस्त्र चालना कले, तन धनु बाण रे एभली तीर छाड़िले, एभली बाण प्रयोग कले जे अर्जुन जी अश्व तांको रथ एवं अर्जुन स्वयं क्षत विक्षत हो गले, एवं भगवान मध्य कृष्ण मध्य क्षत विक्षत हो गले, भगवान कर शरीर रुधिर रक्त बोहक लगला, अर्जुन रक्ताक्त हो गले। भीष्मदेव एभली भाव रे बाण धनु बाण से दिन प्रयोग करुले जना पड़ता है भीष्मदेव आज ही युद्ध समाप्त करदे। अर्जुन को ऊपर एत प्रहार देखी भगवान आउ सह्य कर पारे ना, कृष्ण आउ सह्य कर पारे ना, से रथर ओल्ल पड़े, प्रतिज्ञा भूलीगले, एक सिंह भली गर्जन करी, एक सिंह भली गर्जन करी रथर ओल्ल पड़े, एवं तांकर उतरी तांकर भगवान को मुकुट खसी पड़ला, केश मुकुला हो गला, एवं तांकर जेतिकी शरीर कवच अस्त व्यस्त हो गला, एवं भगवान एक गोटे रथर चक्का को चक्र को उठाई भीष्म को मारिया पाई दौड़िले। यही दृश्य देखी भीष्मदेव निजर धनुष बाण को त्याग कर देले, हाथ जोड़ी स्तुति करिया को लगले, कि सुंदर दृश्य, भगवान कर प्रतिज्ञा को भंग करिया तंकर उद्देश्य थिला, कौन पाई निज पाई नुहे निजर भक्त अर्जुन को पाई पार्थों को पाई, तेणु अर्जुन तंकर केते प्रिय थिले एटा को जगत को देखाया पाई भीष्मदेव ए लीला कले, तेणु किए बुझी पारिबे ए कथा, ए भीष्मदेव ए भली से ज्ञानी भक्त थिले, जेतु ज्ञानी भक्त थिले माने भगवान कर कष्ट पाउछन्, भगवान को शरीर कष्ट होछि एको ध्यान दे, प्रभु से भगवान से तांकु कष्ट होने, भगवान कृष्ण कर जने परम भक्त थिले, किंतु से थिले ज्ञानी भक्त, जो ज्ञानी भक्त तांक विचार प्रभु को कष्ट हुए ना, तांक प्रभु को भोक शोष हुए ना, से तो परमात्मा
परात्पर तत्व ताको भोक हुए ताको कौन शोष हुए ताको कष्ट हुए से ज्ञानी भक्त माने इटा अनुभव करी पारंते नहीं। थरे दुर्योधन से महाभारत युद्ध समय रे विश्वदेव को पाखु आसिले एवं कहिले पितामह आपण पक्षपात करुछन्ति मो पक्षरु युद्ध सिना करुछन्ति किंतु पांडव मानुकु आपण सपोर्ट करुछन्ति तांकर पक्ष नउछन्ति आपण चाहिले पांडव मानुकु बध करि परिबे ए युद्ध रे आमकु विजय दे परिबे किंतु आपण जानी सुनी करुनांते। दुर्योधन विश्वदेव उपर एभळी व्यंगोक्ति प्रयोग कला अपमानित कला तो विश्वदेव कहिले ठीक अछि आज रातिर रात जो सुन मु भजन करे निजर भजन साधन करे जप करे से समय तुम निजर पत्नी को लेकिन आस मुझे चीर सौभाग्यवती आश्रय देवी अर्थात तुम मान कौन क्षति हम नहीं चीर सौभाग्यवती माने पूर्ण आशीर्वाद दे देवी तेब तोर विश्वास हम जो मु तो पक्ष से युद्ध करीष्मदेव कहीदे संध्या है रात्रि समय रे से दिन बहुत घड़घड़ी वर्षा यह पाग एत खराब हो गला दुर्योधन चिंता कला मुझे आज न जा काली जीवी तेणु भगवान कृष्ण अंतर जे आम से पांडव मान रक्षक ये सुजोग पाई भगवान कृष्ण कौन कले ना तांकर सखी द्रौपदी को नहीं कले कल चल पितामह का पाकु आ द्रौपदी को कहिले तमें निजर ओढ़ी ढंक रख घोड़े रख खोल ना शेषे खोल तो द्रौपदी जितेबले भीष्मदेव कक्ष में प्रवेश कले शेष पितामह भाविले जे भानुमती दुर्योधन पत्नी भानुमती आई उपस्थित होती भीष्मदेव बिना विचार करी तांकु अखंड सौभाग्यवती चीर सौभाग्यवती आशीर्वाद दे देले तापर जेतेबले देखिले ये तो भानुमती नहीं तो द्रौपदी तो भीष्मदेव आश्चर्य हो गले बोले तुम एठी किमिते आसिल तुमको आनला किए निश्चित भाव कृष्ण ही आनी तेणु कृष्ण जहाँ को रक्षा करे तार किए विनाश कर पार्ब ये वासुदेव ही इच्छा कृष्ण ही इच्छा यही भाव विश्वदेव लीलार आम देखो विश्वदेव यद्यपि दुर्योधन पक्षर युद्ध करुले किंतु एटा थिला भगवान इच्छा से ज्ञानी भक्त थे से महाजन ये जानी धर्मर नियम कौन धर्म को रक्षा करिया पाई जगत कल्याण पाई भगवान इच्छा रे से दुर्योधन सपक्ष युद्ध करते किंतु सी थे ज्ञानी भक्त जमी प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त विष्णुदेव ज्ञानी भक्त ये ज्ञानी भक्ति मानकर जो भक्ति से ऐश्वर्य प्रधान भगवान को परात्पर तत्व परमात्मा रूप से दर्शन करती प्रेममय सेवा वृत्ति तांकर न थाए से भगवान को सेवा करती ना केवल स्मरण करती भगवान ऐश्वर्य को ध्यान करती कि देखिया ब्रजवासी माने जन ब्रजरे जो गोपी माने माता गोपी माने कृष्ण के पाई केते चिंतित कृष्ण गोचारण गले माँ जशोदा केते चिंता करती कृष्ण को मन पकाते ते बणरे थिबा कंटा घास कुश यदि कृष्ण देह लगुला माँ जशोदा को केते कष्ट होता ये हूँ प्रेममय सेवा ये प्रेमर कथा किंतु ये भीष्मदेव भगवान को क्षत विक्षत करदे कि कष्ट ता कारण जानते भगवान प्रभु को कष्ट हुए ना सी तो प्रभु सी तो भगवान परमात्मा से ताकू कौन कष्ट हे भोग शोष हुए ना तेणु ज्ञानी भक्त माने तांकर सेवा प्रधान नुहे किंतु ये ज्ञानी माने निर्विशेष ज्ञानी नुहंती सविशेष ज्ञानी निर्विशेष ज्ञानी माने भगवान को भक्ति करती ना से चिंता करती सबू तो ब्रह्म सबूल ईश्वर
ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର? ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜଳ ହୋଇଗଲେ? ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ପରାଭକ୍ତ। ପ୍ରେମ ପରାଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମାତୁର ଭକ୍ତ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରେମାତୁର ଭକ୍ତ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ମରଣ କରି ହିଁ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସାରା ଜୀବନ ଯାହା ବି କିଛି କଲେ, ଆଚରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତି କିପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।